हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए आज हम मिलकर बनाते हैं ये मुंबई स्टाइल मसाला टोस्ट की रेसिपी। उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम मसाले की तैयारी करते हैं। तो मैंने डीप पैन ले लिया, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। तो मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेस्पून क्यूमिन सीड्स जीरे का, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच क्रश किया हुआ जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली। तो मैंने यहाँ पे 7 to 8 ग्रीन चिलीज, 4 to 5 गार्लिक और 1 इंच जिंजर लिया है। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैं करी लीव्स इसमें ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो रॉ टेस्ट है वो चला जाए ऑनियन गार्लिक का और जिंजर का। तो हो चुका है, मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से ड्राई मसाला। यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है कलर के लिए, 1 छोटा चम्मच टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच धनिया पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी इंग्रेडिएंट्स को और 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, ताकि जो रॉ टेस्ट है हमारे मसालों का वो चला जाए और अच्छे से मसाले भून जाएं। तो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें बॉइल्ड पोटैटोज़, अच्छे से मैश कर दिया मैंने, 5 से 6 बॉइल्ड पोटैटोज़ मैंने लिए हैं। तो इसको अच्छे से हम मैश करके यूज़ करेंगे, और अब सभी इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से आपस में मिला देना है। तो ये फिलिंग को आप जिस तरीके का बनाना चाहें, ज़्यादा स्पाइसी अगर आपको चाहिए, कम स्पाइसी चाहिए, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है हमारे सारे आलू आपस में, और अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ धनिया पत्ती, और इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे सारे आलू के साथ इस तरीके से। देखिए तो अब ये हो चुका है। तो हम तैयारी करते हैं हमारे सैंडविच की। तो सैंडविच बनाने के लिए हमको यहाँ पे चाहिए होगी ग्रीन चटनी। मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी हुई है ग्रीन चटनी। तो आप ये धनिया, पुदीना, लहसुन अदरक के साथ और थोड़ा सा मूंगफली या फिर कोकोनट डाल के इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये स्लाइस्ड कोकुम्बर है, फाइनली स्लाइस किया हुआ है, और मैंने यहाँ पे लिया है स्लाइस्ड ऑनियन एंड टमाटोज, टमाटर और प्याज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हर एक ब्रेड स्लाइस पे बटर अप्लाई करेंगे, तो बटर थोड़ा मेल्टेड हम यूज़ करेंगे। सारे ब्रेड स्लाइस पे हमने अप्लाई कर देना सबसे पहले बटर इस तरीके से। तो ये सारी स्लाइस पे मैंने बटर अप्लाई कर दिया है। अब हमारा है नेक्स्ट स्टेप, चटनी हम अप्लाई करेंगे सारी ब्रेड स्लाइस पे। तो चटनी कम या ज़्यादा जिस तरीके का आपको पसंद हो उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए तो ये चटनी अप्लाई हो चुकी है सभी में। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो आलू का मसाला हमने तैयार किया था। ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों ब्रेड स्लाइस पे अच्छे से स्प्रेड कर देना है मसाले को। ये देखिए सो हो चुका है। तो अब जो है हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो हमने फाइनली स्लाइस्ड कुकुम्बर, टमाटोज और ऑनियन लिए हैं। तो सबसे पहले मैं ऑनियन इसमें ऐड कर रही हूँ। आपको जितना चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। फिर हमने टमाटो स्लाइस इसमें ऐड करनी है, और फिर कुकुम्बर की स्लाइस। आप इसमें इस जो टोस्ट है इसमें थोड़ा कैप्सिकम स्लाइस किया हुआ और बीटरूट भी जाता है, पर मैंने स्किप कर दिया क्योंकि बच्चों को नहीं ज़्यादा पसंद है। तो मैं सिर्फ इतने ही से ही बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें कैप्सिकम और बीटरूट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हमने ऐड करना है इसमें 1 चीज़ स्लाइस। आप चाहें तो इसमें ग्रेटेड चीज़ ऐड कर सकते हैं, और या फिर चाहें तो चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने इसको इस तरीके से कवर कर देना है टॉप पर दूसरी स्लाइस से दोनों ब्रेड्स को। ये देखिए तो दोनों सैंडविच को हो गया। अब हम टॉप में यहाँ पर अप्लाई कर देंगे थोड़ा बटर, और मैं इसको बनाने जा रही हूँ तवे पर। आप चाहें तो टोस्टर यूज़ कर सकते हैं। तो तवे पे मैंने थोड़ा सा बटर अप्लाई कर दिया है। अब हम इसको रख देंगे, और बोथ साइड से थोड़ा गोल्डन होने तक हमने दोनों साइड से इसको क्रिस्प पका लेना है, अच्छे से टोस्ट कर लेना है। ये देखिए तो ये चुका है। मैं इसको थोड़ा फ्लिप कर दूँगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही क्रिस्पी ये बना है। तो हम दूसरी साइड से भी इसको इसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो ये हमारा सैंडविच बनके तैयार है। इसी तरीके से हमने दूसरा सैंडविच भी प्रिपेयर कर लेना है। तो ये देखिए ये हमारी मुंबई मसाला टोस्ट बनके तैयार हो गया है, देख सकते हैं आप। तो इसमें मैं अप्लाई करूँगी टॉप में थोड़ा सा बटर और चटनी। और आप इसके टॉप में थोड़ा सा आलू भुजिया भी ऐड कर सकते हैं,
मेरे पास नहीं था अवेलेबल तो मैंने स्किप कर दिया, बट आप आलू भुजिया भी इसमें ऐड कर सकते हैं टॉप में, और थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे चीज़, दूसरे स्लाइस में भी बटर और लगा दिया है मैंने, और इसको हम कट भी करेंगे, तो कट करके भी देख लेते हैं। देखिए तो ये हमारा जो है मसाला सैंडविच जो है मुंबई का फेमस बन के तैयार हो गया स्ट्रीट स्टाइल। तो देखिए मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ चीज टॉप में। तो वो पार्ट मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी यमी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी या ये भी छोटी मोटी रूम है उसको बना सकते हैं। आपको मेरे